हैदराबाद के बहुचर्चित रेप कांड के सभी चारों अभियुक्तों को पुलिस ने मार दिया है। पुलिस इसे मुठभेड़ कह रही है, जबकि अभियुक्त पुलिस हिरासत में थे, उन्हें वहां मारने का दावा किया जा रहा है, जहां महिला डॉक्टर का जला हुआ शव बरामद किया था। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों को वहां सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था और उसी दौरान उन सभी ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले 10 सालों में हैदराबाद पुलिस इसे तीसरा एनकाउंटर बता रही है, जिसमें माओवादी शामिल नहीं है। इससे पहले साल 2008 और 2015 में पुलिस एनकाउंटर हुए थे। यहां आपको बता दें कि साल 2008 और शुक्रवार की सुबह वाली घटना में काफी समानता है। साल 2008 में तेलंगाना के वारंगल में भी पुलिस ने इसी तरह के सीन क्रिएशन के दौरान एसिड अटैक की 3 अभियुक्तों को मार दिया था। उस वक्त भी पुलिस का कहना था कि सभी 3 अभियुक्तों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था और बचाव में ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी थी। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार, जो हैदराबाद केस को देख रहे हैं, उस वक्त वारंगल के एसपी हुआ करते थे। पुलिस का दावा था कि सनसनीखेज एसिड अटैक के 3 अभियुक्तों ने पुलिस पर बंदूक और चाकू से हमला बोल दिया था। पुलिस के मुताबिक 2008 के एसिड अटैक कांड के 3 अभियुक्तों को उस जगह पर ले जाया गया था जहां उन्होंने घटना के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल छिपाई थी। उनका दावा है कि जैसे ही अभियुक्त मोटरसाइकिल के पास पहुंचे, उन्होंने उसमें छिपाए गए बंदूक और चाकू निकाल लिए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। दावा है कि पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की और वो मारे गए। दरअसल साल 2008 में वारंगल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 छात्राओं पर, उनके साथ ही पढ़ने वाले 3 युवकों पर एसिड फेंकने के आरोप लगे थे। एसिड अटैक के दोनों छात्राएं बुरी तरह घायल हो गई थी। हैदराबाद मामले और 2008 में हुए एनकाउंटर में कई समानताएं हैं। सोशल मीडिया पर एनकाउंटर के लिए जहां लोग एक ओर सज्जनार को हीरो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून के राज में इस तरह की घटना को अंजाम देना खतरनाक साबित हो सकता है। 2008 वाले एनकाउंटर में वीसी सज्जनार खुद शामिल थे। वीसी सज्जनार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। 1996 बैच के IPS अधिकारी वीसी सज्जनार अविभाजित आंध्र प्रदेश के पुलिस विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वो तेलंगाना के वारंगल और मेदक के SP भी रह चुके हैं। फिलहाल वो साइबराबाद के कमिश्नर हैं। साल 2018 में उन्होंने यह पद संभाला था। मेदक के SP रहते हुए उन्होंने अफीम तस्कर का एनकाउंटर किया था, जिस पर पुलिस कांस्टेबल की हत्या के आरोप थे। उनको नस्कल नेता नाइमुद्दीन की हत्या के लिए भी याद किया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।